मैं शिवानी हूँ। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। हमारे पास पहले ही चाशनी बची हुई थी, हम लोग उसे यूज कर रहे हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। हमने इसे गर्म कर लिया है। हमने गुलाब जामुन बनाने के लिए 4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और 1 कटोरी मैदा लिया है। 1 कटोरी मिल्क यूज करेंगे और 2 चम्मच घी यूज करेंगे। हमने घी को बंद गैस के ऊपर रखा है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बंद गैस में ही हम अपना मिल्क पाउडर को इसके अंदर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा मिल्क पाउडर और मिल्क बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसे गर्म करने के लिए रखेंगे। अभी हमको इसे अच्छे से भून लेना। अब हम इसे इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा इंस्टेंट खोआ अभी रेडी है। अब हम इसमें 1 कटोरी मैदा डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथ की सहायता से बहुत अच्छे से गून लेंगे। हमने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना देंगे। हमारे गुलाब जामुन के रोल्स बन गए हैं। अभी हम इसे बहुत कम सिंपल डालेंगे पे पकाएंगे। अब हम इसे फोर्क की सहायता से सब जगह रोल करेंगे ताकि ये पूरी तरह हो गया है और हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसे हम चाशनी के अंदर डालेंगे।